आज हम बात करने वाले हैं स्वर्णरेखा नदी के बारे में, जिसका अर्थ है सोने की लकीर। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसी नदी के बारे में जिस नदी के उद्गम के पास सोने का खनन किया गया था। ये नदी भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरती है। वैसे तो आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे सुवर्णरेखा, विकिपीडिया पे आपको ढेर सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप रिसर्च करो इसके बारे में तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। पर मसाबनी एकमात्र अभी ऐसा जगह है जहाँ पे अभी भी बहुत सारे सीक्रेट प्लेसेस हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जो ना ही आपको किसी किताबों में मिलेंगी, ना ही किसी इंटरनेट पे मिलेंगी, ना ही किसी कहानियों में सुनने को मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं कुछ प्यारे शहरों के बारे में जिनके किस्मत में सुवर्णरेखा की नदी अपना सबसे शुद्ध और मीठा पानी देती है। तो लिस्ट में नंबर 1 पर है जमशेदपुर, जिसको हम टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जमशेदपुर की नदियां जमशेदपुर की भौगोलिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है खंडशिला। इस प्यारे सी नदी के किनारे एक छोटा सा प्यारा सा शहर बसता है जिसका नाम है मोवंडार, और इसको हम प्यार से मोवंडार नदी भी बुलाते हैं। लिस्ट के तीसरे और आखिरी नंबर में आता है मेरा